चुके हैं बोटानिकल गार्डन चंडीगढ़ में। इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, ये बिल्कुल कांटे की तरह लग, छोटे छोटे अनार भी लगे हुए। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आप देख सकते हैं 40 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन हम फिर भी पहुंच चुके हैं बोटानिकल गार्डन चंडीगढ़ जो कि धनास के पास पड़ता है। अगर आपको इसकी लोकेशन चाहिए तो आप डालिए बोटानिकल गार्डन धनास सहारनपुर, तो आपको इसकी लोकेशन बहुत ही जल्द मिल जाएगी। तो गाइस अब हम आ चुके हैं अंदर बोटानिकल गार्डन के। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे अलग अलग तरह के फ्लावर्स और बहुत सारे जानवर भी मिलेंगे हमें यहाँ पर। बहुत सारे इन्होंने फ्रूट्स भी लगा रखे हैं और काफ़ी सारी नर्सरीज भी हैं। तो आइए चलिए देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या है। रेड कलर का फ्लावर देख रहे हैं, ये बिल्कुल उंगलियों जैसा होता है, जैसे कि उंगलियां होती हैं उसकी तरह ही इसके फूल के पेटल्स होते हैं, और ये बहुत ही देखने में सुंदर लगता है। इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन इस बोटानिकल गार्डन में बहुत ही अलग अलग तरह के फूल हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। बोटानिकल गार्डन स्प्रिंग के टाइम पर आएंगे तो यहाँ पर आप जितनी भी सड़कें देख रहे हैं, ये बोटानिकल गार्डन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, कम से कम भी नहीं तो 3 किलोमीटर के एरिया में ये बनाया गया है, और इसके हर एक रोड पे बहुत सारे फूल लगे हुए हैं ये। और जैसे जैसे आप जाते जाएंगे वैसे वैसे साथ में आपको ये फूल भी नज़र आएंगे। सामने फूल देख रहे हैं, ये बिल्कुल कांटे की तरह लग रहा है, लेकिन ये कांटे नहीं है, ये बस उसकी तरह लग रहा है। और काफ़ी बहुत ही ज़्यादा बड़ा पेड़ है ये, इसमें काफ़ी सारे फूल निकले हुए हैं जो कि दूर से ही देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। गार्डन के अंदर एक विंडमिल भी है। देर से हमें मोरों की आवाज़ आ रही थी तो फाइनली हमें एक मोर दिख गया है, तो अब इसका शॉट लेने के लिए इसके पीछे भागना पड़ेगा। सारे फ्लावर्स और यहाँ पर कुछ अनार के पेड़ भी लगे हुए हैं जिसके अंदर फूल आ रखे हैं, और छोटे छोटे अनार भी लगे हुए हैं। देखिए ये है बेल पत्थर, और इसको कहते हैं कि अगर गर्मियों में खाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है पेट के लिए। इसको जब तोड़ते हैं तो ये बहुत ही अंदर से लिसलिसा होता है, लेकिन ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जल्दी हम बैक टू बैक व्लॉग लाने वाले हैं, तो इसी तरह बने रहिए हमारे चैनल के साथ।